बनने के बाद जैसे कि ये पहला लोकसभा इलेक्शन है, किस तरह से जी आप सभी जैसे जानते हैं, आज हमारा पोल डे था लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। दोनों डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो है पीसफुली हमारा वोटिंग कम्प्लीट हुआ है और फाइनल फिगर अभी आया नहीं, बट अगर ट्रेंड्स देखा जाए 6 बजे तक जो हमारे पास डेटा अभी तक अवेलेबल है उस हिसाब से लेह डिस्ट्रिक्ट में जो है 64% वोटिंग हमारे पास अभी तक रिपोर्टेड है और करगिल डिस्ट्रिक्ट में जो 74% के आसपास रिपोर्टेड है। तो ये डेटा थोड़ा सा इंक्रीज होगा क्योंकि फाइनल फिगर्स हमारे पास अभी तक पहुँचे नहीं है, बट जब 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 भी हमारे पास ये फाइनल फिगर आ जाएगा तो हम आपके साथ में वो रिटर्न में शेयर कर देंगे। सर इस बार भी लेह डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज कम नज़र आए तो क्या रीज़न समझे, क्योंकि काफ़ी पोलिंग स्टेशन पे हम गए थे, उनका ये कहना था कुछ लोगों का बिल्कुल ही नाम नहीं है, कुछ लोगों का 3 जगह नाम है और जो गुजर गए हैं उनका भी नाम इंक्लूड किया है, तो इस वजह से काफ़ी कंफ्यूजन भी रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी जैसे आप जानते हैं लास्ट इलेक्शन में 2019 में हमारा पोलिंग परसेंटेज लेह का 62.5% था, तो इस बार ऑब्वियसली हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, बट हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। हम 70-75 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हमारा 64-65 के आसपास रहेगा फाइनल फिगर। अभी डेटा हमारे पास आया नहीं बट हम शेयर करेंगे। दूसरा जो रोल वाली आप बात करें, इलेक्ट्रोल रोल वाली, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। हम भी जहाँ जाके हमने लोगों को समझाया, पहले भी समझाया है कि ये प्रोसेस जो अक्टूबर से शुरू होता है, तब हम ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं, फिर हमारा स्पेशल समरी रिवीजन होता है, फिर हम फाइनल रूल जनवरी में हमने पब्लिश किया था 3 या 4 जनवरी को, और उसके बाद में कंटिन्यूस अपडेशन चलता है। तो हमने बूथ लेवल एजेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी सबको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है कि जो डुप्लीकेट्स उसको रिमूव करने के लिए हो या फिर कोई डेड है उसको डिलीट करने के लिए, कोई शिफ्टेड है उसको शिफ्ट करने के लिए। तो जितना हमने कोशिश की है उस हिसाब से तो हमारे रूल ठीक थे, प्योरीफाइड थे, बट कहीं कहीं भी ये दिक्कत आ रही थी। हम भी गए थे वहाँ पे, किसी का नाम डिलीट हो गया, किसी का 2 जनवरी, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर नाम्स होते तो DSC में वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता। लेकिन ये हम लोगों से बार बार अपील करते आए हैं कि इलेक्टोरल रोल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए और इलेक्शंस के लिए भी। तो जब भी हमारा प्रोसेस शुरू होता है, जब भी ये प्रोसेस ऑनगोइंग रहता है, तो उसमें सबने पार्टिसिपेट करना चाहिए सो दैट लोगों के साथ मिलकर हम रोल को प्योरीफाई रख पाएंगे। सर अगर हम लेह के बारे में पूछे या कारगिल के बारे में, 100% कहाँ कौन से पोलिंग स्टेशन में अभी तक हुआ है सर? हाँ, वो अभी फाइनल फिगर बाकी है क्योंकि 100% कुछ पोलिंग स्टेशन में हमारा जो टोटल इलेक्टर काउंट बहुत कम है। जैसे वारशी अगर पकड़े तो 5 इलेक्टर्स हैं, तो उसमें हमारे एम्प्लॉयज जो ऑन ड्यूटी है वो भी वोट डालेंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से। तो जिस वारशी में तो हमारा हो जाएगा 100%, बाकी पोलिंग स्टेशन में तो जब भी फाइनल फिगर हमारे पास आ जाएगा आपके साथ शेयर करेंगे। 17 सीट है, बाद में हमारे पास अवेलेबल रहेगा। सर जिस तरह से आज एक MCC का वायलेशन देखने को मिला हाउसिंग कॉलोनी में, क्या कुछ कहेंगे सर? दोनों पार्टीज का कहना है कि ये जो यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे जैसे देखना और सैनिटाइज भी किया जाना चाहिए था एक दिन पहले, तो इस सब को आप किस तरह से देखते हैं? जी हाउसिंग कॉलोनी वाला जो इंसिडेंट हुआ है आज, वो रिपोर्ट हमारे पास आई है 1 बजे, तो सुबह से पॉलिटिकल पार्टीज के भी एजेंट वहाँ पे बैठे थे 6 बजे से, बाकी लोग भी बैठे थे, बट किसी की नज़र में आया नहीं उस चीज़, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स पार्क थे। अब किसने किस टाइम पे किया वो हमें आइडिया नहीं उस चीज़ का, लेकिन उस इंसिडेंट को लेके जो है एक FIR लॉन्च हुई है, हमने की हुई है, ओपन FIR है, तो SSP मैडम उसके बारे में आपको बताएगी डिटेल में। लेकिन पब्लिक डिफेसमेंट का जो है उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जिसने भी किया होगा उस पर इंक्वायरी होगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर जहाँ वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार ठहरा रहे थे, और वही कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उन्होंने भी ये कहा कि जो गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे भी BJP के जो सिंबल्स हैं वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये पूरा जो सिनेरियो है एक दूसरे को ब्लेम करना और कहाँ क्या बना है पब्लिक प्रॉपर्टी पे, तो किस तरह इन्वेस्टिगेशन कैसे चलाएंगे? पब्लिक डिफेसमेंट की जो पहले सिंबल वाली बात थी, जब हमारा मॉडल कोड इन्फोर्स हुआ था उसके बाद में हमने काफ़ी जगह पे उसको कवर किया था, उसको पेंट किया था और उसको रिमूव किया था, बट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, कंपाउंड वाले किसी का घर है अगर उस पर सिंबल है तो उसमें हम एक्शन नहीं ले सकते। अगर वो ओनर की कंसेंट है तो दे कैन अप्लाई एंड दे कैन पुट दो सिंबल्स ऑन दैट वॉल। लेकिन ये जो आज वाला इंसिडेंट है उस पर कार्रवाई होगी क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स उस पर लिखे गए थे, तो जो जिसने भी लिखा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही में पब्लिक डिफेसमेंट आप कर नहीं सकते किसी भी प्रॉपर्टी की, तो उस पर भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी रिलेवेंट सेक्शंस हैं किसी के। सर जिस तरह से नज़दीक वाले जो मशीन से वो आ रहे हैं, क्या दूर दराज वाले भी आज आएंगे? जी नज़दीक वाले आज पहुँचे हैं हमारे पास, शाम रात को
मे बी 11-12 तक हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाएगी मशीन्स। बट जो दूर दराज वाले एरियाज हैं, नुब्रा हो गया, दुब्रू हो गया, न्यूमा एरियाज की कुछ पोलिंग स्टेशन हैं, वो इंटरमीडिएट हमने स्ट्रॉन्ग रूम बनाए हैं तीनों सब डिवीजन हेडक्वार्टर पे, तो वहाँ पे रात को रखेंगे और कल सुबह फिर हमारे पास पहुँचेंगे वाले पोलिंग स्टेशन ईवीएम्स जो है। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ इस तरह हादसा होना, आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें हाथ या कुछ इसमें कौन सा हादसा? अभी जो पुलिस स्टेशन हाउसिंग कॉलोनी भी जो हादसा हुआ वहाँ पे इस तरह स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लैप्स के बावजूद भी इस तरह का पेश आना? नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सुबह से वहाँ पे लोग वोट डाल रहे थे, सुबह से पोलिंग पार्टीज के वहाँ पे इलेक्शन एजेंट बैठे हुए थे, सुबह से बाकी लोग भी घूम रहे थे वहाँ पे, बट किसी की नज़र में आया नहीं वो चीज़। वो जब हमारे नोटिस में आया 1:30 बजे मेरे नोटिस में आया था, तब हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट वहाँ पे, जोनल मजिस्ट्रेट दोनों को वहाँ पे भेजा, उसी टाइम हमने उन चीज़ों को कवर किया इमीडिएटली, जो भी एक्शन लेना था हमने किया। बट साथ ही में जो लीगली एक्शन लेना है वो कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी, जो भी रिलेवेंट सेक्शन है किसी को उसमें कार्रवाई होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्वमेंट ये तो मतलब बेसलेस टोटली चीज़ बोली जाएगी, बट किसने क्या किया उस पर इंक्वायरी के बाद ही बता पाएंगे ना किसने किया है, क्यों किया है, क्या रीजन रहा है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। बल्कि वो क्रिटिकल पोलिंग बूथ भी था जिसमें हाफ सेक्शन सीएपीएफ भी डिप्लॉयड थी, तो अब जो ग्रेफिटी हुई है उसमें हम प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट, डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर हम कार्रवाई करेंगे और सीसीटीवी के बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन करके फाइंड आउट करेंगे। कहना है मैम, जिस तरह से सुबह देखा जाता है ना कि नॉर्मली सुबह सवेरे भी देखना होता है किसी को, या इससे हु इज टू पिनपॉइंट कि सुबह का ही इंसिडेंट है या 12 बजे का है, क्योंकि हमारे जोनल सेक्टर ऑफिसर सब ने विजिट किया, किसी के नोटिस में नहीं आया, तो हमें सीसीटीवी फुटेज से एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ द इंसिडेंट पता चलेगा। और सोशल मीडिया पे जब कैंपेन बंद हो चुका था मैम, तब भी कुछ वीडियोस बनाए जहां एक तरफा पार्टी को सपोर्ट के लिए कह रहे थे, तो उस वायलेशन को किस तरह देखते हैं? MCC violation. तो जैसे देखो कैंपेन पीरियड जो है 48 आवर्स बिफोर क्लोज ऑफ पोल हमारा बंद होता है, तो अगर उसके बाद भी किसी ने कैंपेन किया है तो उस पर हम देखेंगे किस हिसाब से एक्शन ले पाएंगे। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज की रैली हो, कोई पब्लिक मीटिंग हो, उस पर बैन था, वो कोई मीटिंग हमारे नज़र में आई भी नहीं है। सोशल मीडिया के एक दो इंसिडेंट हमारे नज़र में आए हैं, तो उसमें हम देखेंगे उचित कार्रवाई किस हिसाब से की जा सकती है।